जम्मू ड्रोन हमला संयोग या प्रयोग? बकौल राहत इंदौरी, सरहदों पर तनाव है क्या? जरा पता करो, चुनाव है क्या? अगले वर्ष उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कोरोना कुप्रबंधन में नाकामी से भाजपा के प्रति जनता में भारी नाराजगी है। भाजपा सत्ता के लिए किसी भी नीच स्तर पर जा सकती है, ऐसा हमने 2017 में उरी हमला और 2019 में पुलवामा हमले में देख चुके हैं। अब 2022 के चुनाव में हार की आशंका से भयभीत भाजपा नीचता पर आना शुरू हो गई है। राष्ट्रवाद का ढोंग करने वाले भाजपाई आतंकवादियों से बातचीत कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर में तालिबान नेताओं से मुलाकात के लिए 2 दौरे कर चुके हैं। हमारे देश की सो कॉल्ड राष्ट्रवादी भाजपा के मंत्री अफगानिस्तान के आतंकवादी संगठन तालिबान से बात कर रहे हैं। तालिबान और मोदी सरकार के बातचीत की मध्यस्थता कतर के विशेष दूत मुतलाक बिन मजीद अल कहतानी कर रहे हैं। जिस तालिबान से भारत सालों तक वार्ता को खारिज करता रहा, उसी आतंकवादी संगठन तालिबान से मोदी सरकार कतर में जाकर बात कर रही है। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान को एक पक्ष के रूप में कभी मान्यता नहीं दी थी, लेकिन अब मोदी सरकार क्या कश्मीर में कुछ गड़बड़ करने के लिए बातचीत कर रही है? तालिबान से बातचीत के बाद 2 हफ्ते बाद आतंकवादियों ने देश में पहली बार जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला कर दिया। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि पाकिस्तान और तालिबान भाजपा का चुनाव में सहयोग करते हैं? गौर करने वाली बात है कि 2019 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कहा था कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। यह तालिबान वही है जिसने इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण करके कंधार ले गया था, और तत्कालीन भाजपा सरकार ने आतंकियों को 2000 करोड़ की नकदी सहित कंधार छोड़कर आई थी। मोदी सरकार और आतंकियों की ये कौन सी दलाली है? लगता है दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है।